हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। आज हमारी पार्किंग का काम स्टार्ट हो गया है, तो वो भी चलेंगे देखने के लिए। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। मम्मी जी आज बना रहे हैं हमारे लिए ब्रेड पकौड़ा, और यहाँ पे ओरियो के साथ खेल रहे हैं पीयूष। तो गाइस, अभी मैं खाना खा रहा था और ओरियो देखो किस तरह से यहाँ पे आके बैठ गया है। मोलू क्या खाएगी? ब्रेड पकौड़ा खाएगी। तो गाइस, हमारे साथ स्कैम हो चुका है। हमको ये दाल की बजाय इसमें मक्के के दाने मिक्स करके दिए हैं, ये देखो, जो कि मम्मी अभी निकाल रही थी। ये हैं मक्के के दाने और देखो बीच बीच में दाल भी है, तो ये स्कैम हो चुका है। कहाँ से लाए थे? लाए कहाँ से थे? चने की दाल। क्या बताओ, कब की है ये दाल? याद ही नहीं है कहाँ कब की है। आधे पॉपकॉर्न बनेंगे, आधे दाल बनेगी। स्कैम 1992 हो गया। देख, बीच में मक्के के दाने हैं, दाल के बीच ये देख, आधे वो कर रखे हैं। तो गाइस देख लो, इस तरह स्कैम भी हो रहे हैं, दालों में भी स्कैम हो रहे हैं। तो लो तो इस तरह की पीली दाल, ध्यान से देख के लेना, उसमें कहीं मक्के के दाने ना मिल जाए, कहीं कुछ और ही ना मिल जाए। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा ऐसा, मतलब पता ही नहीं चल रहा दूर से। तो दूर से नहीं चल रहा, तभी तो फिर कोई मान लो किसी को पता ना, वो बना दे, ये मक्के नहीं बनेंगे ना। वही तो कह रहा हूँ, बीच में कच्चा कच्चा आएगा, मक्के नहीं पकेंगे। कोई नहीं, इसके पॉपकॉर्न बना देना। अच्छा पीयूष, देख के आते हैं चल। पीयूष कॉफी पीते हुए जाते हुए, अरे पीयूष धूप आ गई, गाड़ी अपनी ढकी भी नहीं है, इसको ढक देते हैं। अरे यार गंदी भी हो रही है, पहले धोएंगे। अच्छा सीमेंट यहीं पे डाल दी, तो यहाँ पे अभी दीवार बन रही है, पूरी दीवार ऊपर तक बनेगी और फिर ऊपर से ढक देंगे। और जो ये गेट है ना, इस गेट को उखाड़ के यहाँ पे बड़ा गेट लगेगा, बिकॉज ये गेट छोटा होता है हमारी गाड़ी के लिए। चाय पियोगे अंकल जी? नींबू पानी? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये देखो गर्म गर्म चाय पी रहा है, कॉफी जो भी है, तू ही नींबू पानी पिया कर। 4 दिन के बाद अपनी गाड़ी यहाँ पे प्रॉपरली अच्छी तरह से खड़ी कर पाएंगे, मैं खुद ही कर पाऊंगा। अभी थोड़ा डर लगता है ना, बिकॉज यहाँ पे नीचे कहीं भीड़ भीड़ ना जाए। दो बार भीड़ गई थी। और जो इस साइड में बो रखा है बैंगन वैंगन, जो भी पेड़ पौधे हैं, वो तो यहीं पे रहेंगे ही, इनको हम नहीं छेड़ रहे। तो नींबू पानी बना दिया है मम्मी जी ने, गिलास भी दे दो, इसके ऊपर एक प्लेट रख दो, प्लेट के ऊपर गिलास रख दो। लो अंकल जी आपका नींबू पानी, लो। कितनी ईंट मंगवाई थी? 1500 हो जाएगा? 1500 से अगर हम पानी लगा देंगे ना, तो वापस नहीं लेंगे। अच्छा वापस नहीं जाएंगे, बरसात में तो पैसे भी भेज जाओ। हाँ जी 500 फिर काट देगा। ओके, आधा काम कर दिया। हाँ जी जैसे डबल लगे रहे। हाँ जी, सिंगल होगी ये। ओके सही है। तो अभी दिन के 1 बज चुके हैं, देख के आते हैं कितना काम हुआ है। जब भी कोई नया काम स्टार्ट होता है तो एक्साइटमेंट होती है, और पार्किंग की तो है यार, क्योंकि गाड़ी देखो इस तरह से खड़ी है धूप में, अभी तक साफ भी नहीं करी हमने। अरे वाह, इतनी सारी दीवार बना दी। अंकल जी और पियोगे नींबू पानी? बस ये बर्तन ले जाए फिर हम। और यो सादा आ गए हैं ओली, इसको लग रहा है मैं कहीं दूर से आया हूँ, प्लॉट में गया था मैं तो। सादा आ गए हैं ओलू। तो अभी सब्सक्राइबर आए थे जो कि ये देखे गए हैं, जिसका नाम है दक्ष। हेडफोन्स? अच्छा हेडफोन्स हैं। एक काम करिए, तू आईपैड के साथ यूज करिए इसको, ठीक है? yeah. अच्छे भी लग रहे हैं। तो गाइस बात ऐसी है, अगर आप मिलने आते हो ना, एक तो ये कोविड इधर चल रहा है, मैं तो कहूँगा कि प्लीज मत ही आओ। आप लोगों के लिए भी खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है, और आते भी हो तो इस तरह से गिफ्ट वगैरह यार लेके मत आया करो, अच्छा नहीं लगता इतना। क्योंकि आप लोग बाहर से आते हो तो हमारे पड़ोसी भी देखते हैं कि यार ये क्या, मतलब इनके बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, कोविड इतना फैल रहा है, तो हाँ खतरा तो है ही, इसलिए कह रहा हूँ मैं। कैरी मिनाटी देख रहे हो आप? पापा जी एक्सपोज, पापा जी कैरी मिनाटी देख रहे हैं। अच्छा किसी ने हमको रोस्ट किया है क्या? मैं कहा कैरी मिनाटी देख रहे हो आप? मैं किचन में था, खाना निकाल रहा था, मैंने कहा कैरी मिनाटी की आवाज आ रही है एकदम से, मैं कहा पापा जी क्या देख रहे हैं। बाय द वे ये हमारी मम्मी जी, नई साड़ी डाली, तो मम्मी दिखाती है कैसी लग रही है, मम्मी रिव्यू लेती है हमसे, फोटो खिंचवाती है मम्मी, अच्छी लग रही है, अच्छी आप साड़ी तो मतलब अच्छी लगती है बहुत, साड़ी में अच्छे लगते बहुत ज्यादा, साड़ी डाला करो आप। फिलहाल अभी हम अपना लंच करते हैं, लंच में आज है हमारे पास कढ़ी चावल। हाँ ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, ब्लू, और जो भी देख रहे हैं लो, सही है ना? बहुत बढ़िया है, रुको आपके फोन में भेजता हूँ इसको। फिलहाल मैं तो अभी लंच कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के बाइक के पास में सीडियो में। तो मम्मी जी ढोलक वोलक लेके निकल रही है सत्संग करने के लिए, अच्छे से जाना, अच्छे से करना सत्संग। तो गाइस अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, वहाँ पे ओरियो की आंटी बैठी है, मैं उसके पास जाऊंगा ना, ओरियो मेरे पास आता है, मैं उसको ऐसे हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ, ओरियो कहते हैं उसको हाथ मत लगाओ। अभी देखो ओरियो, हाँ तो अभी देखो यहाँ पे ओरियो है, यहाँ पे खड़ा है। तो गाइस अभी देखना इसको, ये देखो क्या क्या क्या, चल 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 अंदर, चल चल अंदर। ये आ गया, आ गया। क्या है तुझे? क्या भाई, किसी और को प्यार मत करो। नमस्कार नमस्कार,
तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, जैसे कि मम्मी जा चुकी है सत्संग में, तो पापा जी और मैंने प्लान किया था मम्मी जी को सरप्राइज करने का। आज हम लेके आने वाले मम्मी जी के लिए एक ओवन, क्योंकि काफी जरूरी है यार घर में गर्म वगैरह करने के लिए, और हम भी कुछ पिज्जा वीजा बना लेंगे उसमें ना? तो मम्मी पापा जी और मैंने प्लान बनाया था, अभी पीयूष और साहिल को भी नहीं बताया, उनको भी अभी बताया। तो अभी हम ज्यादा जल्दी से लेके आते हैं, मम्मी सत्संग में एक डेढ़ घंटे में आएगी, तब तक तो हम ले ही आते हैं। देखते हैं कौन सा लेंगे, देखते हैं। अभी हमको वैसे नॉलेज नहीं है, वो चलाना भी नहीं आता घर में किसी को, वो भी सीख जाएंगे, अब आएगा तो सीख ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं, चले मास्क लगा दे, सौदा जा रहे ओली ओली, सौदा जा रहे हैं ओलू। तो अभी हम शॉप पे तो आए हैं, हमको ये वाला पसंद आया 30 लीटर का IFB का। कैसे पीसी? तो हम सोच रहे ये वाला ले लेते हैं, अंकल जी थोड़ा बहुत सिखा भी दो हमको, हमको आता नहीं है। ये सारे टच है क्या? टच है, मतलब इतने सारे फीचर्स हैं इसमें, समझ में नहीं आ रहे। मम्मी के लिए एक वो भी लेनी है। हाँ कमेंट सारे थे, मम्मी से पूछना फिटिंग करानी पड़ेगी। अच्छा फिटिंग, हाँ फिर तो नए घर में कराएंगे। चलो अपना पैक तो हो गया, रिक्शे में रखते हैं और निकलते हैं। अंकल जी आप हमारे पीछे भी चलना, ठीक है? हम आगे भी चलेंगे, आप हमारे पीछे भी चलना। तो अभी हम HF डिलक्स में आए थे, इसमें सही रहता है। हमको लगा बाइक में ले जाएंगे, बट काफ़ी बड़ा है तो बाइक में नहीं ले जा सकते। 30 लीटर का लिया हमने, तो मिशन पास डिस्ट्रक्टेड प्लस, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मम्मी जी को सरप्राइज करेंगे। आदित्य अच्छा लगा आपसे मिलकर, ठीक है? ओके बाय। रुकावट के लिए खेद है गाइस, कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए थे तो उनसे मिल रहे थे हम, तो फिलहाल अभी ये आ चुके, काफ़ी भारी है। अब मम्मी जी आई नहीं अभी तक, तो मम्मी जी को सरप्राइज देंगे। बट एक प्रॉब्लम है, इसके ना बर्तन अलग आते हैं इसमें, इसको गर्म करने के लिए या फिर कुछ भी हमको बनाना है, तो वो भी हमको मार्केट से लाने पड़ेंगे। अब चल के पहले तो गाड़ी को अच्छे से साफ करते हैं, अंदर से बाहर से। गाड़ी साफ करवाएगा? हमेशा मुझे ही करनी पड़ती है हमेशा। तो गाइस अभी सौरदा गए हैं गाड़ी लेके, गाड़ी इधर ला रहे हैं। हम यहाँ पे गाड़ी साफ कर रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे बैठ के बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आपकी दिक्कत है? हाँ है दिक्कत, अड़ंगा खा रहा है फालतू की चीजें। आप नहीं खाते? मैं नहीं खाता, कभी नहीं खाते। नहीं खाता, मानता तो है नहीं गाइस, अब क्या करें, फालतू की चीजें खाता रहेगा। पूरी गाड़ी में बिस्किट एंड नमकीन के चूरे ही चूरे पड़े हैं। ओरियो के बाल तो चलो वो तो नेचुरल हैं, वो तो होंगे ही ओरियो आएगा तो, बट यार बिस्किट और नमकीन खाना अवॉइड करना पड़ेगा, बंदर खाना कुछ भी अवॉइड करना पड़ेगा यार, साफ करते हुए दिक्कत आती है, चूरा फिर साफ ही नहीं होता। एक तो लंबी गाड़ी है ना, साफ करने में बहुत हालत खराब हो जाती है, 8 सीटर है ना, सारे मैट साफ करो सब कुछ करो, बट मजा आता है खुद से साफ करने में, खुद की मेहनत की गाड़ी है। ओरियो ने भी काफी हेल्प किया बाहर से देखने में, बट पीयूष ने बिल्कुल भी नहीं किया। पूरा 1.5 घंटा लगा के हमने साफ कर लिया, फिलहाल अब इसको ढक के रख देते हैं। एक ही दिन में काफी लंबी वॉल बना दी अंकल जी ने, और ये यहाँ पे खेल रहे हैं ऐसे। बचपन में हम भी ऐसे खेलते थे पता है, मिट्टी से कुछ कुछ बनाते थे, उसमें पानी भी डालते थे हम, तो खड्डा करके पानी सुरंगे बनाते थे इसमें, बचपन के दिन याद आ गए। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है, मम्मी जी को करेंगे सरप्राइज। मम्मी जी को लग रहा है कि अपन वो लाए हैं फोन, आईफोन। मम्मी जी का फोन खराब हो रखा है ना, ये कंबल डालता हूँ ताकि मम्मी गैस ना कर पाए। मम्मी जी आपका फोन ये रहा। खोलो खोलो चलो रिवील करो, ये कंबल है इसको। नहीं नहीं ढक रखा है, ढक रखा है, मम्मी खींचेगी, रुको रुको सर, सरप्राइज। इसमें है आपके लिए माइक्रोवेव ओवन, और ये भी आ गया जूता लेके, और ये कह रहे मैं अनबॉक्स करूंगा, करो करो दोस्तों भी करो। मम्मी जी आपके लिए बेस्ट वाला लाया हूँ 30 लीटर का, मम्मी जी आप निकाल दोगे या सैलदा से निकाल देंगे, सैलदा निकाल, इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, इवन आप चाय भी बना सकते हो, बर्तन ले आएंगे कोई बात नहीं। अभी हमको चलाने ही नहीं आता, मेरे को ही नहीं आता। कैसा लगा आपको आपका फोन? कैसा लगा फोन आपको? अच्छा लगा। हाँ ये होगा पिज्जा पाजा बनाने के लिए, पाजा हाँ इसमें बने, इसमें बनेंगे इसमें, इसमें बनाएंगे पनीर टिक्का। तो मम्मी जी कैसा लगा आपको गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा बेटा। मेरे को डर लग रही थी कि ना दे मेरे को, क्यों लेके आया, मेरे को जरूरत नहीं थी, बट ऐसा मम्मी ने कुछ नहीं कहा। तो शौक से मेरे को दे रखा है तो मैं क्यों डांटूंगी। चलाना तो आता नहीं है, मेरे को भी नहीं आता। अब क्या करेंगे, अब हम YouTube पे देखेंगे
यूट्यूब पे सर्च करूंगा कि हाउ टू यूज दिस, जो भी मॉडल है इसका, जो भी है। और फोन लाऊंगा टाइम मेरा, फोन मैंने फोन ही सोचा फिर मैं। अरे फोन आपका टूट रखा है मुझे पता है, दिला दूंगा आपको, कोई अच्छा सा देखेंगे ना कौन सा लेना आपके लिए। तो अभी देखेंगे, आज रात को देखूंगा। और सबसे मेन तो इसमें बनाएंगे हम पिज्ज़ा, क्योंकि माइक्रोवेव है तो पिज्ज़ा तो सबसे ज़रूरी है ना। देखेंगे आने वाले ब्लॉग्स में, देखना आप किस तरह का पिज्ज़ा बन पाता है हमसे। तो बस सीखना है अभी तो पहले, तो किस तरह से इसको यूज़ करना है। और बस आपको सही लगा ना, बस बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अरे लोग शौक है बेटा। अरे मेरी बात सुनो, लोग तो क्या कमेंट करते हैं, मम्मी को ऑटोमेटिक मशीन दिला दो, किचन दिला दो, और फ्रिज दिला दो, और नया टीवी दिला दो। एक्चुअली हमको पता भी नहीं है ज्यादा चीजों के बारे में, हम वही तो पता नहीं। अब ये लिया हमको पता नहीं, पहले सीखना पड़ेगा अच्छे से किस तरह से यूज होता है, क्या है। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। अभी मैं माइक्रोवेव अपने पास रख रहा हूँ, बिकॉज अभी सीखना है ना, अभी रात को सीखूंगा मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के एडिटिंग के बाद। ठीक है, फिर आपके पास दे देंगे नीचे। हाँ कल पिज्जा। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग का एंड करते हैं। फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करूंगा और इसके लिए काफी खुश हूँ, छोटी छोटी खुशी हमारी। तो बस व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ध्यान से भाई, ओह ध्यान से, क्या है वो कट रहा है, वो कट कुट कट वट जाएगा इससे, मतलब इससे खेलने की जी चीज नहीं है ये। तो मैं कौन खेल रहा हूँ, खेल थोड़ी हूँ, खेलना होता है ऐसे उछाल कर। नहीं नहीं, नहीं नीचे तो गिर गया था। Let you go, but have you really